और चलिए उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर लखनऊ में 5 मंजिला अलाया अपार्टमेंट अचानक से ढह गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ ही सेना करीब 18 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अभी भी कुछ लोग फंसे हुए होने की आशंका जताई जा रही है, जिनसे फोन पर बातचीत भी की जा रही है। साथ ही सभी को ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अलाया अपार्टमेंट मामले में हजरतगंज कोतवाली में तैनात सीनियर सब इंस्पेक्टर दयाशंकर द्विवेदी की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आरोपियों में मोहम्मद तारीफ, सपा विधायक शाहिद मंजूर का बेटा नवाजिश शाहिद और फाहद यादजानी का नाम भी शामिल है। तीनों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पूरे मामले में अपार्टमेंट के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के आरोप भी लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि बगैर मानचित्र के निर्माण कार्य पास करवाया गया। लखनऊ से संवाददाता अभिनाश की रिपोर्ट। देखिए, कोई किसी पार्टी का हो, अगर वो उसका जांच हो, वो उसका दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। और अगर कोई अवैध निर्माण करा रहा था, बिना बिल्डिंग के सुरक्षा किए हुए वहाँ पर खुदाई या निर्माण काम हो रहा था, तो जो उसका दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।